ओके दोस्तों, इंडियन मार्केट में पोको ने अपना 2022 के अंदर पहला स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है, पोको M4 Pro। दोस्तों ये स्मार्टफोन एक 5G स्मार्टफोन है जो आपको तीन कलर ऑप्शन में इंडियन मार्केट में लॉन्च हुआ है, जिसमें ब्लैक, ब्लू और येलो कलर देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों पोको M3 Pro था उसका ही दोस्तों ये अगला स्मार्टफोन होने वाला है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था, तो उसका ही सक्सेसिव वर्जन आपको ये पोको M4 Pro देखने को मिल रहा है। ये स्मार्टफोन भी लगभग सेम कलर ऑप्शन में ही आपको देखने को मिलता है जो कि पुराना वाला था, लेकिन कलर आपको काफ़ी पंची और काफ़ी अच्छे देखने को मिल जाते हैं। साथ ही दोस्तों ये स्मार्टफोन आपके तीन वेरिएंट में भी लॉन्च हुआ है, जिसमें दोस्तों 4GB 64GB इंटरनल स्टोरेज 14,999 रुपये, उसी के साथ 6GB 128GB इंटरनल स्टोरेज, उसकी कीमत रखी गई 16,999 रुपये। साथ ही इसका जो आखिरी वेरिएंट आता है उसमें 8GB रैम और 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है, उसकी कीमत रखी गई है 18,999 रुपये। दोस्तों तीनों वेरिएंट में सबसे अच्छा वेरिएंट आपको देखने को मिलता है सबसे सस्ता वाला, क्योंकि दोस्तों 15,000 से कम की कीमत में आपको 6 नैनोमीटर वाला प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्मार्टफोन के टॉप 5 फीचर्स की, जो कि दोस्तों स्मार्टफोन को सबसे अलग बनाते हैं, क्योंकि दोस्तों काफ़ी सारे स्मार्टफोन इंडियन मार्केट में हैं जो आपको 15,000 से कम की कीमत में काफ़ी अच्छी चीज़ पेश करते हैं, लेकिन दोस्तों स्मार्टफोन में क्या है खास, ऐसे टॉप 5 चीज़ें आज की वीडियो में हम बात करेंगे और रिव्यू के साथ बात करेंगे कि आपको स्मार्टफोन लेना भी चाहिए या नहीं, क्योंकि दोस्तों कई सारी चॉइस और भी हैं इंडियन मार्केट में इस टाइम 15,000 से नीचे में। कुछ दिन पहले रियलमी का भी स्मार्टफोन लॉन्च हुआ था, रियलमी 9i, वो भी एक काफ़ी अच्छी चॉइस है, और उससे पहले रियलमी 8i था, वो भी एक काफ़ी अच्छी चॉइस होने वाली है, लेकिन आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं M4 Pro की। तो सबसे पहले फीचर्स की दोस्तों बात करें इसके प्रोसेसर की। स्मार्टफोन में दिया गया है MediaTek का Dimensity 810 प्रोसेसर, जो कि दोस्तों 6 नैनोमीटर पर काम करता है। साथ ही दोस्तों इसके अंदर आपको माली का G57 GPU देखने को मिल जाता है, यानी कि दोस्तों गेमिंग परफॉर्मेंस में काफी अच्छा आपको साबित देखने को मिलने वाला है। इसलिए दोस्तों सबसे अच्छी चॉइस आपके लिए रहेगा गेमिंग परफॉर्मेंस में पोको M4 Pro, क्योंकि इसके अंदर GPU भी अच्छा है, उसके अंदर प्रोसेसर भी अच्छा दिया गया है। साथ ही ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड होगा आउट ऑफ द बॉक्स, और इस स्मार्टफोन में आपको MIUI 12.5 का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और कंपनी की तरफ से कहा गया है अगले ही हफ्ते आपको इस स्मार्टफोन में MIUI 13 का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा, जो कि 5G को एक अलग ही तरीके से आपको पेश करेगा, यानी कि परफॉर्मेंस के मामले में और अच्छा कर देगा MIUI 13। उसी के साथ दोस्तों अगर दूसरे मेन फीचर्स की बात करें जो कि स्मार्टफोन में खास दिया गया है, वो है दोस्तों इसकी डिस्प्ले। इसके अंदर दोस्तों 6.6 इंच की एक फुल HD+ डिस्प्ले दी गई है, जिसमें नॉर्मल रिफ्रेश रेट आपको 90Hz का देखने को मिलता है, लेकिन इसका टच सैम्पलिंग रेट है 240Hz का, यानी कि जब आप गेमिंग परफॉर्मेंस खेलते हैं, यानी कि गेम खेलना पसंद करते हैं, तो जब आप गेम खेलेंगे तो इसका रिफ्रेश रेट आपको 240Hz का तक का देखने को मिल जाएगा, यानी गेमिंग परफॉर्मेंस जबरदस्त हो जाएगी। दोस्तों इस स्मार्टफोन में स्टोरेज टाइप दी गई है UFS 2.2, जो कि दोस्तों ठीक है, इतनी खास तो मैं नहीं कहूंगा इस चीज को, लेकिन हाँ नॉर्मल ठीक है, ज्यादा अच्छी तो नहीं, क्योंकि ज्यादा अच्छी तो फिर 3.0 देखनी चाहिए थी, लेकिन हाँ 2.2 भी इतनी कम कीमत में आपको हाँ ठीक परफॉर्मेंस आपको इतनी कीमत में ये स्मार्टफोन दे रहा है। और इसी के साथ दोस्तों अगर कैमरे की बात करें तो स्मार्टफोन में दोस्तों वही आपको Redmi Note 11T 5G जैसे ही कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, यानी कि इसके अंदर भी आपको दो सेंसर ही देखने को मिलते हैं, प्राइमरी सेंसर 50 का और 8 का अल्ट्रा वाइड, फ्रंट में आपको छोटे से पंच होल डिजाइन के साथ 16 मेगापिक्सल की सेल्फी। आप सोच रहे होंगे दो सेंसर तो फोटोग्राफी क्या खास होगी? जी हाँ दोस्तों, स्मार्टफोन की फोटोग्राफी जबरदस्त होने वाली है, जैसे कि मैं बात कर रहा था पहले Redmi Note 10T 5G की, उसकी भी फोटोग्राफी जबरदस्त है। सेंसर दो आपको बेसक देखने को मिलते हैं, लेकिन नहीं फोटोग्राफी जबरदस्त है, तो आप हाँ फोटोग्राफी के मामले में भी स्मार्टफोन की तरफ जाया जा सकता है। दोस्तों अगर बात करें इसके रैम टाइप की और स्टोरेज टाइप की, तो हम बात कर चुके हैं, इसका रैम टाइप है LPDDR4X, जो कि दोस्तों ठीक है, क्योंकि कुछ टाइम पहले ये आपको फ्लैगशिप फ़ोन में देखने को मिल रहा था, अब आके आपको ये लो बजट स्मार्टफोन में और मिड रेंज स्मार्टफोन में देखने को मिल रहा है LPDDR4, क्योंकि दोस्तों जो फ्लैगशिप है उनके अंदर आपको LPDDR5 रैम अप देखने को मिलती है, जो कि काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। ये भी कम नहीं है, क्योंकि आप खुद सोच लीजिए कम से कम 1.5-2 साल पहले आपको फ्लैगशिप में यही चीज़ देखने को मिलती थी, आज आके आपको 15,000 वाले स्मार्टफोन में भी ये चीज़ देखने को मिल रही है। कुछ दिन रुक जाए शायद आपको LPDDR5 भी रैम आपको किसी इतने कम स्मार्टफोन में देखने को मिल सके। और इसी के साथ दोस्तों स्मार्टफोन में 5000mAh की बैटरी है, 33 वोल्ट का आपको चार्जर देखने को मिलता है, 1TB तक इसकी स्टोरेज को बढ़ाया भी जा सकता है SD कार्ड के जरिए। और साथ ही दोस्तों इस स्मार्टफोन में ब्लूटूथ वाईफाई GPS है, ब्लूटूथ टाइप आपको 5.1 देखने को मिलता है, जो कि स्पीड अच्छी है। वैसे भी यूज़ कौन करता है, थोड़ी ही चीज़ों के लिए यूज़ होता है, या तो आप किसी ईयरबड के लिए, उनकी सब चीज़ के लिए ब्लूटूथ यूज़ होता है, ज़्यादा किसी काम के लिए होता भी नहीं है, तो हाँ ब्लूटूथ की स्पीड भी इसकी अच्छी देखने को मिल जाती है, और 5G स्मार्टफोन तो ये है ही। सो दोस्तों ये हमारे स्मार्टफोन के कुछ कमाल के फीचर्स, जो कि दोस्तों आपको इस स्मार्टफोन की तरफ जाने में मजबूर कर देते हैं। जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बात करी थी डिस्प्ले की, क्योंकि दोस्तों गेम खेलते वक्त इसका टच सैम्पलिंग रेट 240Hz का तक का चला जाता है, तो गेमिंग परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छी इसमें देखने को मिल जाएगी। सो इसलिए दोस्तों मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप ले रहे हैं कोई 15,000 से कम की कीमत में कोई स्मार्टफोन, तो अब आप पे एक और चॉइस आ गई है पोको M4 Pro, जो कि दोस्तों एक 5G के साथ साथ अच्छा गेमिंग स्मार्टफोन, अच्छा कैमरा स्मार्टफोन भी साबित हो गया है। देखते हैं दोस्तों आने वाले टाइम में
के स्मार्टफोन से इसकी टक्कर होती है। दोस्तों कुछ दिन में इसका कंपैरिजन करेंगे Realme 9i से, क्योंकि दोस्तों वो भी अभी फिलहाल में ही लॉन्च हुआ है, लेकिन एक बात की दिक्कत है कि वो 5G स्मार्टफोन नहीं है। तो आप खुद कमेंट करके बताएं कि स्मार्टफोन से इसका कंपैरिजन देखना चाहेंगे कि आप Redmi Note 10T 5G से देखना चाहेंगे, क्योंकि दोस्तों उसकी जो प्राइस है उसकी है प्राइस शुरू होती है 16,999 रुपये से, इसकी प्राइस शुरू होती है 14,999 से, इसलिए प्राइस में बनता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, कंपैरिजन करेंगे, बताएंगे कौन सा स्मार्टफोनों का बेस्ट प्राइस को रखेंगे साइड में, बाद में प्राइस की बात करेंगे, क्योंकि हाँ स्पेसिफिकेशन मेन चीज़ है। 2,000 रुपये अगर ऊपर नीचे हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि हाँ 2-4 साल के लिए तो ले ही रहे फ़ोन कि 1-2 महीने के लिए, फिर तो कोई सा भी स्मार्टफोन ले सकते हैं। सो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ऐसी वीडियो और देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल को ऑल करके बताएं, और मिलेंगे दोस्तों ऐसी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।